बजाज और ट्राइम्प की अपकमिंग रेट्रो स्क्रेबलर टाइप की बाइक पहले भी इंडिया के अंदर टेस्टिंग के टाइम पे स्पोर्ट हो चुकी है बाइक एकदम प्योर रेट्रो स्टाइल वाली मशीन होने वाली है जिसके लुक्स काफी हद तक ट्राइम की बोनेविल सीरीज से ही इंस्पायर्ड होंगे लेकिन ये बाइक इंडियन टू व्हीलर मार्केट में कब तक आएगी क्या इस बाइक का प्राइस होगा कैसे बाइक के अंदर फीचर्स देखने को मिलेंगे कैसा बाइक के अंदर इंजन होगा सो इस बाइक की सारी डिटेल्स के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे बाइक के अंदर ऑल एलईडी लाइट्स का सेटअप देखने को मिलेगा क्योंकि बाइक के अंदर राउंड शेप्ड काफी मिनिमलिस्टिक टाइप के एलईडी इंडिकेटर्स हैं रियर में एलईडी टेल लाइट है फ्रंट में राउंड शेप्ड रेट्रो स्टाइल एलईडी हेडलाइट है और बाइक के अंदर या तो एक सर्कुलर शेप्ड फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कॉन्सोल होगा या फिर एक टी डिस्प्ले वाला रेक्टेंगुलर शेप का इंस्ट्रूमेंट कॉन्सोल होगा लेकिन अभी जो इस बाइक की पिक्चर्स लीक हुई है उस बाइक के अंदर काफी सारी टूरिंग एसेसरीज भी है सो बजाज ट्राइम जो रेट्रो स्टाइल स्क्रेमलर टाइप की बाइक को लेके आ रहे हैं उसके अंदर काफी सारी टूरिंग एक्सेसरीज का ऑप्शन देखने को मिलेगा और अभी जो बाइक टेस्टिंग के टाइम पे स्पॉट हुई है उसके अंदर स्पोक व्हील्स हैं लेकिन पहले जब ये बाइक स्पोर्ट हुई थी तब इस बाइक के अंदर अलो व्हील्स थे बाइक के अंदर में स्पोक व्हील्स और अलो व्हील्स दोनों ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं और अभी जो इस बाइक की पिक्चर्स लीक हुई हैं उसमें बाइक के अंदर सैडल बैग भी है टॉप बॉक्स भी है बाइक के अंदर नकल गार्ड्स भी है और अलो व्हील्स की जगह पे स्पोक व्हील्स है और वैसा ही बाइक के अंदर एक सिस्टम है जैसा पहले इस बाइक के अंदर स्पोर्ट हुआ था यानी कि बाइक के अंदर डबल बैरल टाइप का एक सिस्टम आएगा और इंजन के बारे में बात करें तो बाइक के अंदर मोस्ट प्रोबेबली थ्री फिफ्टी सीसी का फोर स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर लिक्विड गोल्ड डीओ इंजन होगा जिसकी पावर होगी 35 फाइव के आसपास और टोर्क आउटपुट होगी 30 न्यूटन मीटर के आसपास बाइक के अंदर सिक्स स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिलेगा सो इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है कि बाइक की परफॉर्मेंस काफी अच्छी होने वाली है क्योंकि बाइक के अंदर लिक्विड कोल्ड डीओ इंजन आएगा जिसके अंदर सिक्स स्पीड गियर बॉक्स होगा सो टेक्नोलॉजिकली के एडवांस इंजन होने की वजह से बाइक की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रहेगी और बाइक के अंदर रेट्रो डिजाइन और स्टाइल होगा काफी अच्छे एडवांस फीचर्स होंगे बोनविल सीरीज से इंस्पायर्ड बाइक के लुक्स है बाइक में 19 इंच का फ्रंट व्हील होगा और 17 इंच का रियर व्हील होगा लेकिन ये बिल्कुल कंफर्म है कि बाइक के अंदर काफी अच्छे सुपर वाइड टायर्स आएंगे क्योंकि जो बाइक टेस्टिंग के टाइम पे स्पॉट हुई है उसके अंदर काफी अच्छे वाइडर टायर्स हैं और बाइक का राइडिंग पोस्टर भी काफी कम्फर्टेबल है स्लाइटली रियर सेट बाइक के अंदर फुट पैक्स है बाइक के अंदर टीयर ड्रॉप शेप का मस्कुलर फ्यूल टैंक होगा और बाइक की सबसे बड़ी यूएसपी रहेगी अप डाउन फ्रंट फोक्स क्योंकि बाइक के जितने भी वेरियंट्स होंगे सभी के अंदर अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स देखने को मिलेंगे और रियर में प्रीलोड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को

के बीच में आएगी जिसका एक्श्यू लेख थर्टी थाउजेंड के आसपास रहेगा और ये बाइक इंडियन टूलर मार्केट में रोयल एनफील्ड की बाइक्स और, और ट्राइम की तरफ से बाइक इंडियन मार्केट में सबसे चीपेस्ट ऑप्शन होने वाली है जो बजाज और ट्रैम की पार्टनरशिप के साथ में लॉन्च होगी सो बजाज और ट्राइम की अपकमिंग रेट्रो स्क्रैबलर टाइप की बाइक से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है अगर आप इस बाइक का वेट कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना तो इस वीडियो में इतना ही आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर कुछ भी इस वीडियो में आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर सकते हो मिलते हैं अगली वीडियो में टिल देन राइट सेफ ड्राइव सेफ